नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शुक्ला, एक बार फिर आप लोग का गार्डनिंग की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा ननुआ का प्लांट है। इसकी बेल जो है ये कितनी फैल गई है। दोस्तों इस बार तेज़ गर्मियों में ये जो ननुआ मैंने लगाया था वो लगभग डेड होने के कगार पे पहुंच गया था, लेकिन मैंने उसको किसी तरह से बचा लिया। और ये देखिए इसमें फ्रूटिंग, इधर देखिए दोस्तों इसमें फ्लोटिंग होने लगी है। अब इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी। दोस्तों सब्जियों का जो मैं ये गमलों में उगाता हूँ या कंटेनर्स में, तो उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालता हूँ, और घर के सब्जियों और छिलकों से जो वास्टेज बनते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लोग ये देख रहे हैं उसका रिजल्ट। इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो इसमें फ्रूटिंग होने लगी है। और ये डिपेंड करता है कि बरसात के दिनों में कितना धूप होता है। दोस्तों निनुआ के लिए तेज धूप की जरूरत होती है, वरना ये इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। इधर थोड़ा पानी ज़्यादा बरसा था इसलिए कुछ पत्तियों में ये प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन इसके बाद ये फिर से एक बार सही हो रहा है कि क्योंकि तेज़ धूप एक बार फिर से निकलना शुरू हो गई है। तो दोस्तों आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करता हूँ। तो अपने यहाँ की ये जो सब्जियाँ होती हैं उनको हार्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए फिलहाल मुझे ये चार ननुआ मिल गए हैं, तो कम से कम दो तीन लोगों के लिए सब्जी तो बन ही जाएगी। तो दोस्तों ये मेरी ननुआ के प्लांट की जो हार्वेस्टिंग है, ननुआ से निकाला मैंने, उसका वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।